बिलासपुर की बिल्हा सीट पर एक बार फिर कौशिक बनाम कौशिक का मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने सियाराम कौशिक को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक को टक्कर देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर की हाई प्रोफाइल बिल्हा सीट पर कौशिक वर्सेस कौशिक की टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जहां मैदान में है, तो वहीं पूर्व विधायक सियाराम कौशिक की कांग्रेस में वापसी के बाद पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। यानी 2023 में बिल्हा सीट पर दशकों पुरानी रिवाइलरी देखने को मिलेगी। इतिहास पर नजर डालें तो साल 1998 में पहली बार धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा सीट से जीत दर्ज की, लेकिन 2003 में वे अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी सियाराम कौशिक ने ही चुनावी शिकस्त दी थी। 2008 में धर्मलाल कौशिक ने सियाराम कौशिक को पटखनी दी और 2013 में फिर एक बार सियाराम कौशिक धर्मलाल कौशिक को हराने में सफल हुए। 2018 के चुनाव में फिर यहां समीकरण बदले और कांग्रेस का दामन छोड़कर सियाराम कौशिक जोगी कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस ने राजेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया। इस त्रिकोणीय मुकाबले में धर्मलाल कौशिक एक बार फिर विजेता बने और सियाराम कौशिक तीसरे नंबर पर रहे। आंकड़ों से साफ है कि सीट पर एक जीत और एक हार का ट्रेंड चलता आया है। बीजेपी कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने 2023 के लिए कमर कस ली है। दोनों जीत के दावे कर रहे हैं तो अपने प्रतिद्वंदी को करारी हार देने का दावा भी। 45 लोगों ने बिला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगा था। 45 में एक नाम मेरा है, बच गए 44 के घर जाऊंगा, सबसे निवेदन करूंगा, सबको मनाऊंगा, सब मानेंगे और कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इसमें नाक नकूर वाला कोई काम नहीं करेंगे। कोई कांग्रेस पार्टी किसी को चुनौती नहीं मान रहा है। भूपेश है तो भरोसा है, किसान के ऊपर विश्वास है और कहीं पर यहाँ पर न भारतीय जनता पार्टी, न आप पार्टी, न बसपा, कोई पार्टी कांग्रेस के टक्कर में नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है। तो लूटने के लिए इनको राज नहीं सौंपे थे, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सौंपे थे, ये परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से होनी चाहिए, अच्छी बात है कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता इस बात को तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं विचलित नहीं है। आज के स्थिति में कांग्रेस का विचलन सबको दिखाई दे रहा है। सियाराम कौशिक के एक बार फिर कांग्रेस में आने से मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब देखना होगा कि धर्मलाल जीत दोहराते हैं या फिर सीट पर एक जीत और एक हार का ट्रेंड बरकरार रहता है। मुस्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। और मोला